यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग पटाखा का, दिवाली का, या फिर दिवाली का पूरा मान के चलो, क्योंकि दिवाली में हम लोग बहुत सारा सामान लिए, खास करके मम्मी लिए बहुत सारा सामान, तो वो सब का आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बहुत सारा सामान है, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये सब डेकोरेट करने का आइटम है, और और ये कुछ कुछ मीशो से आया हुआ सामान है, कुछ कुछ अमेजोन से, कुछ कुछ हम खोल दिए हैं ताकि चेक करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ खराब रहता तो उसमें रिटर्न करने का ऑप्शन रहता है इसलिए। और जो नहीं खुला है वो अनुराग खोलेगा। तो ये क्या है, इसको खोले? हाँ खोलो। अरे वो उसमें ये वाला था, प्रैंक नहीं कर रहे हैं। इसमें ये था, देख सकते हो, इस डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा था। नहीं, इसमें हम रंगोली बनाएंगे। अच्छा, रंगोली? हाँ, रंगोली के लिए है। तो क्या करिए, मतलब रंगोली इसके अंदर छिट के? नहीं नहीं, उसमें, अरे वैसे मत करो, टूट जाएगा। इसमें कलर भरेंगे हम, कलर भर के सारा चीज में रंगोली करके इसको कहीं जमीन पे रख के जब करेंगे तब भी हम आप लोगों को दिखाएंगे ये कैसा लग रहा था। इसको भी हम ऑनलाइन मंगाए हैं मीशो से, रखने के लिए फ्लावर है। अच्छे से रखो, अच्छे से। ये है कुछ, देखो उसमें क्या है। तो इसके अंदर कुछ है दिया जलाने के लिए, वो कैंडल, हाँ कैंडल टाइप का कुछ है जिससे जलता है दिवाली में सजाने के लिए, तो वो था इसके अंदर, देख सकते हो। फिर हम सेट कर देते हैं, इसको हम खोले हुए हैं, एक बार इसको निकाल के दिखा दो। इसको फ्लावर है? नहीं नहीं, ये लरी है, लरी है। इसको उस तरह मत करो, लरी है। एक सेकंड देखो, पूरा पूरी एक पूरा खोल दीजिए। इसको भी हम लोग जब लगाएंगे तो दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत है ये, बहुत सुंदर है। इसको रख दो, अच्छे से रख दो, रख दो उधर। इसीलिए सबको हम यहीं पर रखे हुए हैं ताकि ये टूटे ना। और यहाँ पे ये, और एक वास टाइप का रखने के लिए रोज सब है, देख सकते हो, वास में रखने के लिए। ये बहुत सुंदर, दोनों बहुत अच्छा था तो इसलिए मैं दोनों को मंगा दी। हाँ, ये है रनर। खोले क्या? खोलना नहीं, बस ऐसे ही दिखा दो। जब हम इसको लगाएंगे ना डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग टेबल के लिए हम इसको मंगवाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। कुछ तगड़ा मतलब उससे बना। देखिए ये बहुत सुंदर है, जब इसको हम लगाएंगे तब भी आप लोगों को हम दिखाएंगे डाइनिंग टेबल में। तो आप इतना सारा खरीद के रखे हैं फूल पौधा की, क्या ही बोले। ये कुशन कवर है, कुशन कवर देख सकते हैं, उसके बाद ये इधर है। ध्यान से निकालना, ध्यान से। ओ, थाली है ये? थाली नहीं है, इसी बात पे लाइट भी आ चुका है। ये बहुत अच्छा है, ये सिंदूर के लिए? नहीं नहीं, सिंदूर नहीं है, दिया के लिए। बीच में हम इसमें पानी और फूल दे देंगे, और इधर चारों तरफ में इसमें दिया जला दूंगी, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। जब इसको भी हम लगाएंगे तो फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये सब हमको बहुत अच्छा लगा, सारा शॉपिंग जो हम किए हैं सब ऑनलाइन है, सब अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब से हम मंगाए हुए हैं। छोड़ दो बेटा वो उसको। इसको बांधने के लिए जो हम पर्दा मंगाए हैं ना, तो उसी सब में हम बांधेंगे, इसके लिए है। कितना पीस है ये? पता नहीं, बहुत सारा, बहुत सारा है। रुक रुको, तुम रख दो उसको। और ये देखिए, कृष्णा जी का सिर लग रहा है। नहीं, ये है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी दिवाली के लिए। ये वाला पेपर रखेंगे, गांधी जी का, मतलब गणपति पप्पा, गणपति पप्पा का। चलो इसको भी साइड रखिए, इसको घूमने में बहुत मजा आता है। रखो साइड। और अब लास्ट एक बचा हुआ है, इसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ, इसको अब दिखाओ। इसको हम खोल के चेक किए थे, हाई टाइप का है। इस, ये भी डेकोरेट करने के लिए काम आएगा। इसके अंदर फूल रख के साइड में दिया हुआ लगा देंगे तो ये अच्छा लगेगा। ये भी बहुत अच्छा है,
चलो बस इसको रख दो अनुराग, इसको रख दो। तो आप क्या सोच सकते हैं इसके अंदर क्या होगा? धीरे से, ये भी बहुत अच्छा है लेकिन नहीं टूटेगा। तुम मत करो ना, उसे मत करो, हम दिखा देते हैं इसको अभी। जब तक ये लगेगा नहीं तब तक इसको इसी तरह से रखना, नहीं तो टूट जाएगा। अभी हम इसको सोच रहे हैं कि कहाँ लगाएंगे, जब हम लगाएंगे ये सब सारा सामान कहाँ कहाँ, तो सब उसका भी वीडियो बनेगा, ठीक है? हम लगा के ही दिखाएंगे कहाँ लगाएंगे, वो आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा, तब आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये एक पर्दा है वाइट कलर का, हम मंगाए हुए हैं। जो मेरा हॉल है उसका जो बीच वाला है ना दरवाज़ा, उसमें मेरा लगा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम मंगाए हुए हैं। वाइट कलर में है, पता नहीं ये तो दिख अच्छा रहा था लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा, लगा के देखेंगे कैसा लगता है। अच्छा डिज़ाइन नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अच्छा देख लेंगे, अरे नहीं इसके साथ अच्छा लगेगा तो इसके साथ और एक कुछ कलर मंगा के फ्री कर देंगे। इस सबको सब साइड करके रखो, और उसमें कुछ कुछ अमन का कपड़ा है जो अमन के लिए हम खरीदे हैं, वो अमन अपना पहनेगा तब दिखाएगा। अब आता है बारी फटाका का। तो अभी जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो दिवाली का सबसे स्पेशल चीज है। हाँ हम बात कर रहे हैं फटाका का, तो लेट्स गो अनबॉक्सिंग करते हैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक चीज फटाका। तो ये कुछ कार्टून आया है रामगढ़ से स्पेशली, तो देख सकते हैं। वाह एक तो अच्छा रहा है, वाह मजा आएगा अभी। सबसे पहले आता है हमारा स्काई शॉट्स, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है स्काई शॉट, जो हवा में उड़ते हुए जाता है ना वो। जनाब हम असली चीज देख रहे हैं, ये रॉकेट है। वाह ये मिसाइल के जैसा रॉकेट जा रहा है। और यहाँ पे हमारी सबसे फेवरेट चीज लड़ी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोक का बीड़ी फटाका, जिसे हम मिर्ची बम के नाम से भी जानते हैं, और हमारे यहाँ लोकल में इसे बीड़ी बम बोला जाता है, ऐसा बीड़ी फटाका रहता है। तो और आज देखिए अनुराग इस तरह का हेयर कट किया है, ऐसे ये नहीं करता है लेकिन चूंकि इसका छुट्टी है इसीलिए किया है। फिर चकली एक बंडल यहाँ पे, सॉफ्ट है, बम आ गया अंदर से, हमको विश्वास नहीं था कि आएगा ये। क्यों ये नहीं मिलता है वहाँ क्या? हमको लगा था नहीं मिलता है, आ गया। और ये सब अमन भी फोड़ेगा, अभी अमन तो ट्यूशन गया है। वाह ये तो अच्छा लग रहा है, पिंक 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 पिंक, बहुत तगड़ा बम है, ये तो फूटता है ना। हाँ तो फोड़ देता है क्या दुनिया को पूरा, हम फोड़े एक बम ना पूरा दिल्ली का पुलिस लाइन। बहुत तगड़ा बम तो पूरा उड़ाना नहीं, पूरा हिलाना नहीं। और क्या क्या है ये भी एक छोटा मोटा रॉकेट है, और फुलझड़ी है कि नहीं? फुलझड़ी हम फोड़ेंगे, फुलझड़ी नीचे में। और ये कुछ छोटा मोटा बम सब है, देखते हैं ये बम बुलेट बम ये आ गया आपका। अच्छा सबको खोल के नहीं दिखाना, हवा वो लग जाएगा, ऐसे तुम दिखा दो बस। हाँ बस हो गया, ये देखिए बहुत, ये नागिन जैसा क्या दिख रहा? ये लड़ी है, लड़ी। और उसके नीचे में सबसे नीचे में क्या है वो? वो वही आप जो फुलझड़ी बोले। अच्छा ठीक है, ये टाइगर में जो दिया हुआ, ये टाइगर वाला क्या? टॉप टाइगर। ब्रैकेट इस बार नहीं लिया, ब्रैकेट हम नहीं थे ना सर। कितना बुलेट बम भेज दिया, बुलेट बम बहुत ज्यादा भेज दिया, तुम लिखा होगा जैसा वैसा नहीं आया। अच्छा ठीक, जितना है जो है हाइड्रो बम ही है सुतली बम। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पूजा करने के लिए ये वाला जो ये चौकी है, इसको भी हम इस बार लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह का चौकी नहीं था और दिवाली के लिए खास ये आया हुआ था, तो इसको हम जमशेदपुर से लेके आए हैं। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब हम पूजा करेंगे इसमें तो फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो